हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस बार का जो क्रिस्टल ओपनिंग है वो मेरा अब तक का सबसे बड़ा क्रिस्टल ओपनिंग है, जिसमें मैं 6 5 स्टार खोलने वाला हूँ और एक अवेकनिंग जेम। तो देखना ये कि इस बार क्या होता है। इसमें एक जो पहला ही क्रिस्टल आपको दिख रहा है वो इनक्रजन का है, जिसमें मैंने उसमें से लिया है, और बाकी के जो 5 है वो मैंने ये जो मोडक होटल है और 5 स्टार जमा करे है, अलायंस वॉर है, उन सब में से मिला के मैंने इसे इकट्ठा किया है। तो आज उसका ओपनिंग है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। तो चलिए इसे चालू करते हैं और पहला क्रिस्टल खोलते हैं। वाह, इसके बाद डॉक्टर डूम था बट पहला ही गोस्ट राइडर। क्या बात है, कितने टाइम से इसका वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं क्या बोलूँ आपको अभी कि ऐसा लग रहा है जैसे वाह, काफ़ी टाइम बाद गोस्ट राइडर मिला है मुझे और काफ़ी बढ़िया है। तो बाकी 5 है, चलिए देखते हैं अब उसमें क्या होता है। और 5 स्टार कॉर्वस ब्लेड भी पहली बार ही मिला है, हालांकि मेरे पास 6 स्टार पड़ा है। ये भी काफ़ी बढ़िया चैम्पियन है दोस्तों, बट ऑलरेडी अगर 6 स्टार में आपके पास पड़ा है तो फिर इतना इसका कुछ वो नहीं रहता है। और ये जो इतने देर मुझे लगा इसे खोलने में, वो एक ट्रिक है कि अगर सेंटर से आता है 5 स्टार तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो नॉट बैड, दोनों ही बढ़िया ही है। तो चलिए तीसरे क्रिस्टल पे चलते हैं अब। तीसरी बार डोमिनो मिल चुकी है और ये काफ़ी कमाल की बात है। इसका जितना भी हो उतना बढ़िया ही है, पर यकीन नहीं हो रहा कि डोमिनो तीसरी बार मिल चुकी है। 3 क्रिस्टल और तीसरी डोमिनो, काफ़ी बढ़िया रहा। इसमें 6 स्टार का शार्ट्स भी मिल गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं बाकी 3 के तरफ।
थिंग ये भी मिस्टिक अच्छा चैंपियन है, पर ब्लेड और डोमिनो और सेंटिनल अभी भी बाकी है। अब आखिरी दो क्रिस्टल है दोस्तों मेरे पास, उसके बाद अवेकनिंग जेम खोलेंगे। इसमें तो सो भी है, ये बेसिक क्रिस्टल डिफेंस के लायक है। और एमा फोस्ट भी पहली बार, हालांकि वो भी डिफेंस के लायक है, बाकी इसका कुछ है नहीं इतना। छानवी से खुला था फिर अवेकनिंग जेम। अब आखिरी क्रिस्टल है दोस्तों, तो ये मैं सोच रहा हूँ मेरी भांजी भतीजी से खुलाऊं, छोटी भतीजी से, तो मैं उसको बुला के लाता हूँ और उससे खुलवाते हैं कि इसमें क्या है। और इसने टैप कर दिया है, और किंग पिन प्लेटिनम हो चुका है। हालांकि ठीक है, उसने डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहा गोस्ट राइडर दोस्तों, क्योंकि गोस्ट राइडर सबसे बेस्ट चैंपियन रहा और काफ़ी बढ़िया चैंपियन है वो गोस्ट राइडर। तो अब बचा है अवेकनिंग जेम। अब अवेकनिंग जेम की बात करूँ तो पहले देख लेते प्लेयर कौन से मेरे पास। गोस्ट राइडर मिल जाए वो भी बढ़िया है, या फिर और कौन है, एक बार फाइव स्टार की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे चैंपियन हैं, इसमें से मुझे अगर अवेकनिंग जेम चाहिए तो एक गुलीटाइन बढ़िया रहेगी, इन्फिनिटी आयरन मैन डिफेंस के लिए, कैप्टन मार्वल मूवी भी बढ़िया है, थिंग भी ठीक ही है, पर गोस्ट राइडर या फिर लोगन और एगोन तो इनके लिए है।
तो चलिए इसे अब खोलते हैं अपन। तो ये रहा दोस्तों 5 स्टार अवेकनिंग जिम। तो चलिए देखते हैं अब क्या आता है इसमें। अगर एगोन हो जाए तो ठीक है, बट ज़्यादा ज़्यादा कैप्टन मार्वल या गोस्ट राइडर, क्योंकि उसका फिर सोल शुरू हो जाएगा तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। जजमेंट चालू हो जाएंगे गोस्ट राइडर के। बहुत सारे अवेकनिंग जेम ऐसे ही पड़े हैं, ये बीच में से आए तो फटाफट खोले इसे। काफी टाइम ले रहा है दोस्तों बीच में से आने के लिए। और मिल गया एगोन के लिए, एगोन के लिए मिल गया दोस्तों फाइनली 5 स्टार अवेकनिंग जेम। बट फिर भी मैं सोचूंगा कि एगोन को करूं या ना करूं। मेरे पास ऐसे तो 102 सिग्नेचर स्टोन भी एगोन के, बट स्किल में कोई और चैम्पियन अच्छा है तो जैसे कि निक फ्यूरी, क्योंकि मेरा फ़ोन इतना लैग होता है कि मैं एगोन को करके भी कुछ ज़्यादा यूज़ कर नहीं पाऊँगा। रैंक 3 है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और ये था मेरा क्रिस्टल ओपनिंग वीडियो, सारे अब तक का सबसे बड़ा 5 स्टार क्रिस्टल ओपनिंग वीडियो मेरा, जिसमें 6 5 स्टार खोले मैंने और जल्द ही 6 स्टार भी खोलेंगे। 5 काफ़ी बढ़िया रहे और एक भतीजी का इतना लक नहीं चला तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा क्रिस्टल ओपनिंग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी वीडियो आगे डालता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।